हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु में। तो दोस्तों, आज मैं आपको यहाँ पर नेवी डबल SSR से रिलेटेड, नेवी डबल SSR और MR से रिलेटेड, ठीक है, यहाँ पे आज मैं आपको यहाँ पर टॉप 50 जी के क्वेश्चन कराऊंगा। सबसे पहली बात ये है कि देखो, आज मैं आपको यहाँ पर दो प्रैक्टिस सेट लेके आऊँगा, ठीक है, पार्ट वन और पार्ट एक और पार्ट है, मतलब दो प्रैक्टिस सेट है जिसमें आपको 25-25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आपको जैसे कि पता होगा नेवी में, नेवी डबल SSR और नेवी MR में भी 25-25 जी के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर 50 क्वेश्चन की ये सीरीज है, 50 क्वेश्चन एक ही वीडियो मिलेंगे। चलो भाई, पहला नंबर प्रश्न दिया गया है, राष्ट्रगीत के रचयिता कौन हैं? राष्ट्रगीत बताइए। राष्ट्रगीत वंदे मातरम आपके बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया है, ठीक है, और राष्ट्रगान अगर पूछ लिया जाए तो जनगण मन है, जो रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित है, ठीक है। अगला देखते हैं, थल सेना के मेजर जनरल के समतुल्य नौसेना में कौन सा पद है? तो यहाँ पर रियल एडमिरल का, ठीक है। नौसेना आपको पता होगा, नौसेना के जो अध्यक्ष बने हैं वो कौन है बताइए जरा। अभी तक 30 दिसंबर तक दोस्तों आपके करमवीर सिंह थे, 30 दिसंबर तक करमवीर सिंह थे, लेकिन 1 दिसंबर से कौन बन गया बताइए जरा। अपना पद से इस्तीफा दे दिया है करमवीर सिंह ने, अब 1 दिसंबर से कौन बने? तो बात याद रखिएगा, आर हरी कुमार नेवी के नए चीफ बने हैं, ठीक है, तो थोड़ा याद कर लेना। तो नौसेना के प्रथम अध्यक्ष पूछा गया, प्रथम तो आपके RD कटारी थे। हवाई द्वीप किसने खोजा और किस देश में शामिल है? चौथा नंबर का ए ऑप्शन यहाँ पे कैप्टन कुक, USA। NDC जो होता है, ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ पर है? पांचवें नंबर का बी ऑप्शन नई दिल्ली में है भाई। अब ये NCC नेशनल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना किस वर्ष हुई थी? छठा नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन 1948 में हुई थी, 1948 में हुई थी। अब अगला देखते हैं, उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को कौन बढ़ा सकता है? सातवें नंबर का ए ऑप्शन राष्ट्रपति ही बढ़ा सकता है, ठीक है। रंगा स्वामी कप, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा इसको इम्पॉर्टेंट लगा लीजिएगा, ठीक है, मैं खुद बता दूंगा इम्पॉर्टेंट जो होगा, आपको चिंता करने वाली बात नहीं है, यहाँ काफ़ी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के भी हैं। चलो, तो रंगा स्वामी कप किस खेल से संबंधित है? आठवें नंबर का बी ऑप्शन हॉकी से संबंधित है, हॉकी से संबंधित है। अब अगला देखते हैं, अगला प्रश्न आपका दिया गया है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर गुजरती है? नवा नंबर प्रश्न का राइट ऑप्शन यहाँ पर बी पार्ट हो जाएगा, चीन से, ठीक है। अजंता एलोरा की गुफाएं कहां पर स्थित हैं? तो ये सबको आता होगा, दसवीं का ए ऑप्शन देखिए औरंगाबाद लिख के आ सकता है, या तो महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में, तो याद कर सकते हो, ठीक है। वायु का निम्नतम तापमान कब अंकित किया जा सकता है? 11 नंबर प्रश्न राइट ऑप्शन यहाँ पे ए पार्ट हो जाएगा, सूर्योदय के ठीक पूर्व, सूर्योदय के ठीक पूर्व। चलो भाई, तो थोड़ा डिटेल में एक चीज़ बता दें आप लोगों को, देखो आप लोगों को, देखो 6 से 10 तारीख के बीच में पेपर है, तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको देख ले दे देते हैं। देखो 500 आपको प्रैक्टिस सेट मिलेंगे एयरफोर्स और नेवी दोनों के लिए, इंग्लिश के, ठीक है। आपको पता होगा एयरफोर्स के नेवी और दोनों इंग्लिश सेम ही आती है, तो 500 प्रैक्टिस सेट है, और ध्यान से सुनिए कहाँ मिलेंगे आपको, उतना बताएंगे। देखो 500 आपको GK प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे, ठीक है, उस जिसमें कि 4 आपको प्रैक्टिस सेट उसमें एक एक घंटे के मिल जाएंगे, जिसमें कि एक घंटे मैंने 400 क्वेश्चन एक घंटे में 450 कराएँ, ठीक है। तो 2 ही घंटे में 1000 क्वेश्चन पूरी एक बुक खत्म कर दी थी, लगभग 500 प्रैक्टिस सेट, ठीक है। तो GK के मिल जाएंगे और 150 आपको फिजिक्स के और 10 प्रैक्टिस सेट मैथ के। और क्या करना है, सिंपल से 1 मिनट रुक जाइएगा, काफ़ी मैथ लगती है दोस्तों, इतने वीडियो मैंने बना दिए, 1300 वीडियो लगभग बना दिए। देखो एग्जाम को यहाँ पे सिंपल से लिख के आ रहा होगा, जो छात्रों को नहीं पता थोड़ा ध्यान से समझ लेना, जिनका भी पेपर है, ठीक है, और जो तैयारी कर रहे हैं इंडियन कोस्ट गार्ड के भी मैंने काफ़ी पढ़ाया है, ठीक है। इंडियन कोस्ट गार्ड का मैंने 200-150 वीडियो कराया है, सब कुछ GK साइंस को सबको मिला के। देखो एग्जाम गुरु में क्लिक करना चाहते हैं, जब आप क्लिक करोगे दोस्तों तो यहाँ पे होम लिख के आएगा, वीडियो लिख के आएगा, प्लेलिस्ट, आराम से जहाँ पे मानो होम में वीडियो में प्लेलिस्ट डली भाई, प्लेलिस्ट में जाके सब चेक कर सकते हो। प्लेलिस्ट के लिए काफ़ी आपको देखना पड़ेगा, स्क्रॉल करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने एक ही प्रैक्टिस सेट नहीं बनाया, जैसे कि एयरफोर्स इंग्लिश प्रैक्टिस सेट, तो 5-6 प्रैक्टिस सेट इंग्लिश के भी काफ़ी बनाए, तो आप लोग प्रैक्टिस सेट जाके देख लेना प्लेलिस्ट में, ठीक है। चलो आप बताइए, तो फिर दिक्कत है तो कमेंट में बताना, लिंक तुरंत दे देंगे आपको। हिमपात का कारण इनमें से कौन सा है? वैसे आप प्लेलिस्ट में जाइएगा ज़्यादा बेहतर, आप खुद जाइएगा वैसे, ठीक है। बताइए 12वां नंबर प्रश्न है राइट ऑप्शन इसका ए पार्ट। जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान के नीचे संघनन प्रक्रिया आरंभ हो जाती है तथा हिमकणों के रूप में वर्षा होने लगता है। अफगानिस्तान की राजधानी कहाँ है? 13 नंबर प्रश्न है, अफगानिस्तान की राजधानी आपकी काबुल है। अगला देखते हैं, चलो अगला प्रश्न दिया गया, चलो और 2 प्रैक्टिस सेट आपको एक ही वीडियो में मिलेंगे, चिंता वाली बात नहीं, केवल 2 ही प्रैक्टिस सेट मैं कराऊंगा, ठीक है। 85 क्वेश्चन आपको कराऊंगा, इससे ज़्यादा नहीं कराऊंगा, ठीक है, क्योंकि 50 क्वेश्चन आपके काफ़ी पर्याप्त होते हैं, 12 मिनट में या 10 मिनट में खत्म हो जाते हैं, ठीक है, इससे बड़ा वीडियो नहीं बनाएंगे, ठीक है। निम्पन किस देश का पुराना नाम है? 14 नंबर प्रश्न है राइट ऑप्शन सी जापान का। गंगा को किस नदी से किस नाम से बांग्लादेश में जाना जाता है? तो आपको सबको पता होगा, ठीक है, पद्मा नाम से।
जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। लज्जा नामक किताब के लेखिका का नाम बताइए भाई। 17 का बी ऑप्शन तस्लीमा नसरीन है। श्री हरिकोटा किस राज्य में स्थित है? 18 का यहाँ पे सी ऑप्शन आंध्र प्रदेश, श्री हरिकोटा। ये एक मिनट रुकिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये वाला पद्मा राइट ऑप्शन है यहाँ पे, ठीक है। ये काफ़ी क्वेश्चन पूछा आता है पद्मा नाम वाला। और लज्जा पुस्तक तस्लीमा नसरीन, और ये जो हरिकोटा है श्री हरिकोटा वो आपका आंध्र प्रदेश में। देखिए सारे क्वेश्चन आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंट लगेंगे, कोई भी क्वेश्चन एक भी क्वेश्चन बेकार नहीं, ठीक है। चलो भाई, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट। ये वाला तो आपको कभी भी इतना सरल है कि पूछा भी ना जा सकता, लेकिन इंपॉर्टेंट है, सबको आना चाहिए क्वेश्चन। और पद्मा नदी है, ठीक है, वो जापान याद कर लेना। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ पर स्थित है? 19 नंबर प्रश्न है, सी ऑप्शन खड़गवाल से, याद कर लेना। अगला देखते हैं, हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? 20 नंबर प्रश्न है, राइट ऑप्शन यहाँ पे ए पार्ट हो जाएगा, उड़ीसा। निम्नलिखित में से आंध्र प्रदेश की राजधानी है? यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न है, सिंपल से ए अमरावती। सऊदी अरब की मुद्रा क्या है? 22 नंबर का यहाँ पे सी ऑप्शन सऊदी रियाल। अगला देखते हैं, वेदों में सबसे प्राचीनतम पुराना वेद कौन सा? ऋग्वेद है। वैसे चार वेद होते हैं, ऋग्वेद, अथर्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, लेकिन सबसे पुराना ऋग्वेद है, ये इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना। 23 का ए पार्ट, पंडित रवि ए पंडित शिव कुमार शर्मा। एक मिनट रुकिएगा, अब इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट था, ठीक है। फिर सारे इंपॉर्टेंट मैं क्या बताऊँ, एक दो ज़्यादा आपके इंपॉर्टेंट होते हैं तो उसको बता देते हैं, ठीक। काफ़ी इंपॉर्टेंट सभी वैसे तो बताइए। वैसे पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? 24 का डी पार्ट, संतूर से है। अगला देखते हैं, लोकसभा का सदस्य, ये भी आपको इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन। लोकसभा का सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए लोकसभा के लिए? तो लोकसभा के लिए आपकी कितनी होनी चाहिए? 25 पर, वैसे राज्यसभा के लिए 30। अगला देखते हैं, चलो भाई, जैसे कि आप लोगों को पता है प्रैक्टिस सेट पहला कराया जिसमें कि आपको 25 क्वेश्चन मिले, अब ये अब दूसरा प्रैक्टिस सेट है, ठीक है। इसमें 25 मिलेंगे, टोटल कितने होंगे? 50 का कप किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी से। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ज्ञानपीठ तो आपका साहित्य में दिया जाता है। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस प्रांत से नहीं होकर गुजरती है? उड़ीसा से। शुक्र किन दो ग्रहों के बीच में स्थित है? शुक्र किन दो ग्रहों के बीच में स्थित है? तो बुध व पृथ्वी के हैं, और पृथ्वी की जुड़वा बहन आपकी शुक्र है, ठीक है। चलो याद कर लेना, पांचवें का ए ऑप्शन राइट है। छठवें का देखते हैं, विश्व वन्य प्राणी दिवस, वन्य प्राणी दिवस कब होता है? तो विश्व वन्य प्राणी दिवस 3 मार्च को। वेस्ट इंडीज की खोज किसने की थी? तो सभी लोग बता सकते हैं, कोलंबस ने। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री का सरकारी निवास है? 8वें का राइट ऑप्शन यहाँ पे 10 टाउन स्ट्रीट, स्ट्रीट बी पार्ट। आर्य समाज का गठन कहाँ पर हुआ? चलो यहाँ पे देख लीजिए, आर्य समाज के संस्थापक बताइएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती हैं वैसे, ठीक है। तो बताइए वैसे नौवें क्या होगा? ये ऑप्शन है मुंबई में हुआ था। उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को कौन बढ़ा सकता है? बताइए कौन बढ़ा सकता है? 10वें का यहाँ पे डी पार्ट, राष्ट्रपति। ये मैंने क्वेश्चन आपको शायद पिछले यही प्रैक्टिस सेट में कराया, काफ़ी रिपीट होते हैं क्वेश्चन, ठीक है। संसार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? 11वें का सी ऑप्शन माउंट एवरेस्ट है। और निम्नलिखित में से चाय का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? 12वें का डी पार्ट, चीन है। दो आप शब्द से आप क्या समझते हैं? 13 का सी ऑप्शन, ठीक है। दो भिन्न नदी व्यवस्था के बीच की भूमि, ठीक है। व्यवस्था के बीच की भूमि जो है वो आपकी दो आप कहलाती, तभी दो आप कहलाती। अगला देखते हैं, 14 नंबर प्रश्न है, थीन बांध जिसे रणजीत सागर बांध भी कहते हैं किस नदी पर है? बताइए 14 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन रावी नदी पे। वायुमंडल में उपस्थित जल है, 15 नंबर का बी ऑप्शन है, तापमान वृद्धि के साथ बढ़ता है। वायुमंडल में जो उपस्थित जल है वो तापमान के साथ वृद्धि के साथ बढ़ता है। चलो भाई, तो हो सके तो वीडियो लाइक कर लेना, तब से एक बार भी नहीं कहा है, ठीक है। वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि मैंने 1300 वीडियो आपको करा दी है इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए, नेवी एमआर, नेवी WSSR के लिए और एयरफोर्स के लिए, सभी के लिए तैयारी कराते हैं, ठीक है। तो आप लोग मेरे चैनल पर जाकर विजिट कर लीजिएगा एक बार। SSC GD का भी थोड़ा बहुत पढ़ा चुके हैं, UPSC PET का भी पढ़ा है, लेकिन अब खास मैं आपको एयरफोर्स, नेवी और नेवी WSSR, नेवी एमआर का और इंडियन कोस्ट गार्ड का ही पढ़ाता हूँ, ठीक है। कुछ ही वीडियो हैं जो SSC GD के मैंने डाल दिए थे, ठीक है। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। तो सर, इसका अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? 16 नंबर प्रश्न है, राइट ऑप्शन क्या होगा बताइए? चलो 16 का डी ऑप्शन है, इसे राजस्थान में। तुम मुझे कौन दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूँ, तो क्वेश्चन आप लोग आराम से कर लोगे। सुभाष चंद्र बोस किस कानून को तोड़ने के लिए गांधी जी ने 1930 ईस्वी में डांडी मार्च किया था? तो 18 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन यहाँ पे नमक कानून के लिए। भारत के उपराष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो सिंपल से 35 पर। अर्थशास्त्र किसने लिखा था? तो कॉटन लिखा था। वैसे कॉटन का नाम चाणक्य था, चाणक्य विष्णुगुप्त, 3 नाम थे। भटनागर अवार्ड निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए दिया जाता है? तो यहाँ पे इनमें से कोई नहीं, भटनागर यहाँ पे आपका ना फिल्म के लिए, न रंगमंच, न साहित्य के लिए, ठीक है। भटनागर पुरस्कार आपको पता होगा वैज्ञानिक पुरस्कार में दिया जाता है, ठीक है।
चलो अगला देखते हैं। 22 नंबर दिया गया जो भटनागर पुरस्कार आप लोग पता होगा, विज्ञान एवं जो प्रौद्योगिकी पुरस्कार होते हैं उसमें दिया जाता है। चीन का प्रसिद्ध धार्मिक विद्वान हेन साग किसके शासनकाल में भारत आया था? ठीक है, एक वो काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता था हर्षवर्धन के। और निम्नलिखित में से किस राज्य में समुद्र तट नहीं है? 23 नंबर प्रश्न का राइट ऑप्शन डी पार्ट, मध्य प्रदेश में। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो पेरिस में। कथकली कहाँ का है बताइए? कथकली आपका केरल का है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर लेना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, काफ़ी मेहनत लगती है। आप लोग बिल्कुल भी चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे इस समय। और 2 प्रैक्टिस मैंने एक ही वीडियो में करा लिया, ठीक है, जिसमें 25-25 क्वेश्चन होंगे, 50 जो नेवी WSR MR दोनों के लिए इंपॉर्टेंट था। ठीक है।